हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन टेक्नो पैक। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम एंकर टैग पढ़ेंगे, हाउ टू यूज एंकर टैग। और आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंकर टैग में एक प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो वो मैं आपको आज वो भी सिखाऊंगा। वरना बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि ये वर्क नहीं कर रहा और डिसलाइक भी कर देते हैं। तो पूरी वीडियो देखना, ओके? अगर फिर पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम नोटपैड खोल लेते हैं और सीखते हैं कि एंकर टैग होता क्या है और कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले मैं इसका बेसिक लिख देता हूँ, बॉडी बॉडी क्लोज HTML। हमने इसका बेसिक लिख दिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ एंकर टैग लिख देते हैं, यानी ए। तो इसके बीच में मैं कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे कि lesson3.html। अभी मैंने क्यों लिखा मैं आपको बताता हूँ। एंकर टैग क्या करता है? एंकर टैग नेविगेट करता है चीजों को, जैसे कि अगर चीजों को नहीं मतलब मैंने ये जो टेक्स्ट लिखा है, सॉरी 2HTML, मैंने एक चीज लिखी है lesson3 लिखा है। तो ये टेक्स्ट है, ये लिंक जैसा काम करेगा। तो यहाँ मैंने HREF, मैं आपको बताता हूँ क्या है, मैंने इसकी पूरी प्रॉपर्टी लिखने दो। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है HREF, तो वैसे ये वर्क करेगा। HREF इज इक्वल टू आपको लिखना है और फाइल का नाम लिखना है। तो अब ये क्या करेगा, HREF के इज इक्वल टू जो वैल्यू होगी उसके अंदर हमें कोई फाइल लिखना है, फाइल का नाम लिखना है, ठीक है? तो हमने फाइल का नाम अभी लिखूंगा। तो ये जो इसके बीच में जो मैंने टेक्स्ट लिखा है, जैसे lesson3, वो एक लिंक जैसे एक ब्लू कलर का एक चीज बन जाएगा। जैसे हम उसमें क्लिक करेंगे, जो मैंने डॉक्यूमेंट इधर HREF के अंदर लिखी है वो वहाँ चले जाएगा। जैसे कि यहाँ मैं लिख देता हूँ ये फाइल का नाम lesson3.html। तो ये रही फाइल, वो देख सकते हैं कि ये रहा वो lesson3। तो आपको as it is लिखना है, इसका L capital है तो मैंने L capital लिखा है, वैसे इसको as it is लिखना है। तो आप पूरी वीडियो देखेगा, इसमें एक प्रॉब्लम होती है। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ, lesson4.html। तो भी मैं इसको रन कर देता हूँ। तो अब देखो एक ब्लू कलर का एक आ गया है, जैसे ही मैं उसमें क्लिक करूंगा, ये था मैंने lesson3 में एक बनाया था, तो वो था, ये उसी पेज में आ गया है। तो अभी ये था एंकर टैग। अब एक प्रॉब्लम है, अगर आप देखो ये है HTML बोल के फोल्डर जिसके अंदर मैंने ये चार फाइल्स डाली है। तो हमने lesson4 के अंदर एंकर टैग यूज किया, जैसे ही lesson3 में जाएंगे lesson3.html लिख दिया तो वो वहां जाएगा। पर अगर आपको फाइल उसी फोल्डर में नहीं, जैसे lesson4 मैंने HTML फोल्डर में डाली है और lesson3 भी उसी फोल्डर में जिसमें lesson4 है, तो बस हमें नाम लिखना है, जैसे बस lesson3.html लिखना है। पर अगर आपकी ये जो फाइल है वो कोई और फोल्डर के अंदर है, तो आपको उसका नाम लिखोगे तो वो वर्क नहीं करेगा, आएगा कि दिस फाइल हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड। आपको अगर कोई और फोल्डर में है, तो आपको समझ लो मैंने एक फोल्डर है डाउनलोड में HTML एंड CSS क्रैश कोर्स वाला, तो मैं इसको अगर मेरे को ये कोई और फोल्डर में है डाउनलोड्स में, तो मेरे को ये एक नेविगेशन में आया है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा किसी टेक्स्ट में तो वो वहाँ जाएगा। तो मैं बस इसका नाम लिखूंगा तो वर्क नहीं करेगा, आपको जो अपनी फाइल है उसको ओपन विथ गूगल क्रोम करना पड़ेगा और इसकी ये जो ये है इसको कॉपी कर लेना पड़ेगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो मैंने इसको नोटपैड में जा रहा हूँ। अब मेरे को क्या करना है, उस फाइल में जानी है। तो यहाँ तो मैंने बस lesson3 कर दिया क्योंकि ये हमारे उसी फोल्डर में था जिसमें lesson4 था। पर अभी मैं वो जो PDF फाइल है मैं वो खोलूंगा, तो मेरे को उस PDF फाइल का बस नाम नहीं लिखना, मेरे को पूरा जो पाथ मैंने कॉपी किया था वो मेरे को यहाँ लिख देना, जो मैंने इसको पेस्ट कर दिया है Ctrl+V करके, जो इतना बड़ा लिंक था उसका के। और इसका नाम मैं कर देता हूँ टेक्स्ट लिख देता हूँ मैं
HTML and CSS book. और इसको मैं सेव कर देती हूँ. सेव. अभी मैं वहां जाऊंगा और इसको रन करूंगा. तो आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट जो मैंने लिखा था वो HTML CSS book. और जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा ये यहाँ आ जाएगा मेरे वो जो बुक में. अगर मैंने उसका ये जो कॉपी ये पाथ कॉपी नहीं किया था और बस इसका नाम लिख दिया था HTML CSS ये वाला, तो ये वर्क नहीं करेगा. आएगा कि दिस फाइल हैज बीन मूव्ड और डिलीटेड. आप इसको चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि वो नहीं आएगा. तो आपको अगर कोई और फोल्डर में आपकी ये जो फाइल है तो आपको इसका ये जो ओपन विद गूगल क्रोम करके इसका ये जो लिंक है वो आपको कॉपी करके HREF के आगे पेस्ट कर देना है तो वो खुल जाएगा. ओके. तो अभी मैं इसको बैक करके अपनी फाइल में आ जाता हूँ. तो कुछ ऐसा दिखता है अपना लिंक. जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा ये उस पेज में आएगी. तो ये इंटरेस्टिंग था ना. तो अभी कुछ ऐसा एंकर टैग. अब मैं आपको एक बात बताऊंगा, आपको ये याद रखनी है. एंकर टैग के बाद स्पेस करके HREF इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपने फाइल का नाम लिख देना है या फिर उसकी लिंक कर देनी है. तो ये आपको याद करना है आज के लिए. बस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को. आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, यानी लेसन नंबर 5 में. तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. बेल आइकन को क्लिक कर देना जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए कि मैंने वो लेसन नंबर 5 अपलोड कर दी है, तो आप उसमें देख सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.